हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमाल अहमद परफेक्ट क्लासेस बायोलॉजी। प्यारे, आज की इस वीडियो में, पिछले वीडियो में जो हम आरएनए के टाइप की बात किए थे, जिसमें हमने आरएनए की पहली टाइप बताई थी जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके बचे हुए दो पार्ट, पहली पार्ट जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, उसकी चर्चा तो हमने पिछले वीडियो में कर दी थी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूसरे टाइप का आरएनए जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, और तीसरे टाइप जिसको हम ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए कहते हैं। इन्हीं दो आरएनए के टाइप, चूंकि एमआरएनए की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए की बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, टॉपिक क्लियर होगी एकदम। प्यारे, अगर हम राइबोसोमल आरएनए की बात करें, तो राइबोसोमल आरएनए कुल आरएनए का, जिसको हम शॉर्ट में आरआरएनए भी कहते हैं, स्मॉल आरआरएनए लिखेंगे उसको, स्मॉल आरआरएनए, कुल आरएनए का लगभग 75 से 80% लिख देते हैं यहाँ पे, कुल आरएनए का 75 से 80% तक का आरएनए पाया जाता है, जो होता कहाँ है, राइबोसोम पे। कहाँ होता है? राइबोसोम पे। क्या चीज होता है? राइबोसोमल आरएनए। चूंकि राइबोसोम पे पाया जाता है, इसलिए इसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और कल इसकी चर्चा हमने थोड़ी सी की थी कि अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई राइबोसोम का पार्टिकल है, और आप जानते हैं बेटा कोई भी राइबोसोम होता है तो उसमें दो सब यूनिट होते हैं। कितने सब यूनिट होते हैं? दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है लार्ज सब यूनिट, दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट। तो यहां पे हम इसको कह देते हैं लार्ज सब यूनिट, और इसको बोल देते हैं स्मॉल सब यूनिट। तो इसी में क्या पाया जाता है? राइबोसोमल आरएनए। और प्रत्येक राइबोसोम में, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस वीडियो में, कि जो 65% होती है वो आरआरएनए होती है, और 35% इसकी प्रोटीन होती है। ठीक, ये तो बात हो गई राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम में पाया जाता है। ये उत्पन्न कहां से होता है, इसकी वर्जिन कहां से होती है, ध्यान रखेंगे इसकी वर्जिन न्यूक्लियोलस में। कहां पे? न्यूक्लियोलस में, केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाई जाती है, उस न्यूक्लियोलस में कहां से होता है? डीएनए से होता है। और ये लंबे समय तक एक्टिव होता है, लॉन्ग टाइम तक ये एक्टिव होती है, लंबे समय तक वो सक्रिय बना रहता है। ठीक, इतनी चीजें तो क्लियर हुई होंगी। अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं। अगर इसी राइबोसोम की बात करें, तो प्यारे राइबोसोम, जैसा आप जानते होंगे, यहां भी जान लीजिए, राइबोसोम जो है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों सेल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में वो उसके साइटोसॉल में वो स्कैटर्ड होता है, और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो उसके यूकैरियोटिक सेल के साइटोसॉल में तो स्कैटर्ड यानी बिखरा तो होता ही है, साथ साथ जो यूकैरियोटिक सेल की जो माइटोकांड्रिया होती है, जो प्लास्टिड होती है, उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल की, में राइबोसोम की बात हम करते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम राइबोसोम की बात कर रहे हैं, तो इसकी नंबर जो होती है 15,000 से 75,000 तक होती है, ध्यान रखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी नंबर इतनी होती है। अगर वही हम यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो ये
लगभग लाखों में जाती है, 2 से 3 लाख पर यूकैरियोटिक सेल। ठीक, फिर आगे इसको हम बढ़ाते हैं। सवाल यह है यार कि अगर हम इसको और आगे चलाएं, जैसा हम एमआरएनए के बारे में बात किए थे, तो प्यारे यहां पे ये राइबोसोम है, इसी के बीच में ना मैसेंजर आरएनए आए थे मैसेज लेकर के, एमआरएनए की बात में कर रहा हूं। तो ये राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है। करता क्या है, ये प्लेटफॉर्म तैयार करता है। क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, एक वर्क बेंचेज, ऐसे ये वर्क बेंचेज के रूप में काम करते हैं। कौन सी बात मैं कर रहा हूं, राइबोसोम की बात कर रहा हूं, जो डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड को आपस में जोड़ जोड़ करके पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, किसका फॉर्मेशन करते हैं, पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। कहां पे, साइटोसोल की बात मैं कर रहा हूं, राइबोसोम पेप्टाइड चेन के का फॉर्मेशन करते हैं, वो प्लेटफॉर्म होते हैं अपने ऊपर डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को जुड़वाने का काम करते हैं। ठीक, आगे चलें थोड़ा, देखेंगे प्रोकैर, सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल में, सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल में, ध्यान से सुनिए, सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल के माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड में, सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल के माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड में 55 टाइप के 55 टाइप ऑफ प्रोटीन या 55 प्रोटीन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 3 टाइप की राइबोसोमल आरएनए होती है, 3 टाइप की राइबोसोमल आरएनए होती है बेटा। फिर से सुनिए, प्रोकैरियोटिक सेल, सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं होती है वो, और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाली जो माइटोकांड्रिया या प्लास्टिड होती है उसमें 55 प्रोटीन के मॉलिक्यूल और 3 टाइप ऑफ आरआरएनए, 3 प्रकार के आरआरएनए होती है, जिसको हम 5S, 16S और 23S, 5S, 16S एंड 23S के नाम से जानते हैं। वही अगर हम बात कर लें यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में बेटा 82 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, यूकैरियोटिक सेल में 82 प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड 4 टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, 4 टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ये 4 टाइप राइबोसोमल आरएनए यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन होते हैं, 5S पहला, दूसरा 5.8S, अभी यस बता देंगे हम यस क्या है, तीसरा होगा 18S और चौथा होगा 28S। तो कुल मिलाकर के आप ये कहेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में 4 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए होते हैं, 5S, 5.8S, 18S एंड 28S और 82 प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल की माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड में 55 प्रोटीन के मॉलिक्यूल और 3 टाइप ऑफ आरएनए, 5S, 16S एंड 23S। ठीक है, यस क्या है यार, यह सेडबर्ग यूनिट है, सेडबर्ग यूनिट है, एक साइंटिस्ट था सेडबर्ग, उसने क्या किया कि ये राइबोसोम को सेडिमेंटेशन कोफिशियंट के आधार पर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, एक को हम 70S कहते हैं, एक को हम 80S कहते हैं, पहला 70S एंड दूसरा 80S। वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में माइक्रोसोम, माइक्रोसोम समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह टुकड़ा जिसपे राइबोसोम के पार्टिकल चिपके होते हैं। फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन का इस्तेमाल करके उस बंदे ने क्या किया कि जिस लेवल पे वो सेडिमेंट करता है उस बेस पे, उस आधार पे उन्होंने राइबोसोम को डिवाइड कर दिया 70S 80S। वो टॉपिक है ना बेटा, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में हम जाते नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमने बताया यहां पे कि देख लीजिए, यहां पे हम देखेंगे, लिख भी दिए हैं कि ये
प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल की माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया एंड प्लास्टिड प्लास्टिड इसमें क्या होती है 55 मॉलिक्यूल 55 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन और ये जो है यहां पे दिखाया हमने थ्री टाइप ऑफ आरआरएनए समझ रहे हैं ना और थ्री टाइप में 5S जो 120 न्यूक्लियोटाइड को होल्ड कराता है दूसरी है 16S जो 1542 न्यूक्लियोटाइड को होल्ड कराता है तीसरा है 23S जो 2904 न्यूक्लियोटाइड को होल्ड किए रहता है वही दूसरी चीज हमने मैं बात करूं अगर यूकैरियोटिक सेल में खाली यूकैरियोटिक सेल की बात मैं करूं यूकैरियोटिक सेल की बात मैं करूं तो प्यारे इसमें 82 प्रोटीन के मॉलिक्यूल समझ रहे हैं ना अभी बात हमने करी है और फोर टाइप ऑफ आरआरएनए ठीक फोर टाइप ऑफ आरआरएनए जिसमें 5S जो 120 न्यूक्लियोटाइड को होल्ड कराता है और 5.8S जो 160 न्यूक्लियोटाइड को होल्ड करवा लेता है तीसरा होगा 80S तीसरा होगा 18S 18S ये 1874 न्यूक्लियोटाइड को होल्ड करवाएगा और चौथे टाइप का जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो 4718 न्यूक्लियोटाइड इसमें ये होल्ड किए रहते हैं ठीक है इतनी चीजें है ये राइबोसोमल आरएनए के और ये करता क्या है ये वर्क बेंचेस का काम करते हैं जो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं अब मैं शुरू करने जा रहा हूं ट्रांसफर आरएनए दैट इज टीआरएनए चीजें समझ में आ गई होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए कंपटीशन में पूछता है ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें कंपटीशन में पूछता है यार अगर हम ट्रांसफर आरएनए की बात कर रहे हैं ट्रांसफर आरएनए की बात कर रहे हैं जिसको हम स्मॉल टीआरएनए कहते हैं स्मॉल टीआरएनए कहते हैं तो प्यारे ये ध्यान रखेंगे 18 से 20% ऑफ टोटल आरएनए जितनी आरएनए होती है उसका 18 से 20% ये टीआरएनए होता है इसको साल्वेबल आरएनए भी कहते हैं इसको साल्वेबल आरएनए या एसआरएनए या एक नाम और है जिसको हम कहते हैं एडाप्टिव आरएनए एडाप्टिव आरएनए कई नामों से जाने जाते हैं इसका भी फॉर्मेशन डीएनए से ही होता है अब बात करूं मैं इसमें औसतन बेटा 76 न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर होते हैं और वो तो एवरेज मान लिया गया 76 न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर होते हैं जो सॉल्युबल स्टेट में होते हैं जो सॉल्युबल स्टेट में होते हैं इसलिए इसको हम एसआरएनए के नाम से भी जानते हैं ठीक आगे चलें
इसकी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर भी होती है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर भी होती है जो फोल्ड होती है, जो फोल्ड होती है। कैसी होती है? फोल्ड होती है। और फोल्ड होने की वजह से इसमें होता क्या है यार, ये मच क्वाइल्ड हो जाती है एल शेप में, जो 3D में होती है, 3D थ्री डायमेंशनल व्यू दिखता है। कब? कब? जब वो अत्यधिक मच फोल्डिंग हो जाती है तो कैपिटल एल शेप में, कैपिटल एल शेप में, कैपिटल एल शेप में होती है, 3D शेप में होती है। इसके बाद अगर बात करूं मैं, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट होले, क्या रॉबर्ट होले, 1964 में उन्होंने क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया इसका। क्या किया? क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया। मिटाएं इसको बेटा, एडाप्टिव आरएनए, साल्वुल आरएनए, ठीक, या टीआरएनए, ये टीआरएनए की स्ट्रक्चर है, कुछ इस शेप में होती है। अभी हम बात करेंगे। हाँ, रॉबर्ट होले 1964 में इस बंदे ने क्या किया, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, ऑफ टीआरएनए दिया। ये क्लोवर लीफ क्या है यार? ये लिग्यूमिनेसी फैमिली, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होती है, लिग्यूमिनेसी फैमिली की एक सब फैमिली है जिसको हम क्या कहते हैं, पैपलिनेटी। पैपलिनेटी में एक प्लांट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोवर, जो उसकी लीफ होती है उसमें 3 ही लीफ होती है, यहां पे हमने दे दिया है 3 ही लीफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल। और उसका स्ट्रक्चर जब बताया तो उन्होंने ये कहा कि ये 2D शेप में होती है, 2D मॉडल में, टू डायमेंशनल जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कराती है, और जो कुछ इस तरीके से होती है, जो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें है क्या यार, ये जब थ्री, ये क्लोवर लीफ मॉडल दे दिया इन्होंने, तो टीआरएनए जो एडजस्ट एंड फिटिंग का काम करती है, किसके एमिनो एसिड के, एडजस्ट एंड फिटिंग का काम करती है, कहां पे, साइटोसॉल में, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, तो ट्रांसलेशन में ये डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड को जोड़ती है। कैसे जोड़ती है? पहली बात तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें देख रहे हैं बेटा 1, 2, 3, 4, 5 फोर आर्म होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात हम करें, ध्यान रखेंगे रॉबर्ट होले ने क्लोवर लीफ मॉडल 1964 में दिया था, 2D कंडीशन में होती है ये। फोर आर्म होते हैं, 4 बाह होता है इसका, ठीक, और एनदर सिंगल स्मॉल आर्म। अब चार आर्म या फोर बांह, फोर ब्रांच की काउंटिंग हम कर लेते हैं। देखिए यहां पे 1, 2, 3, 4 ये फोर हो गया, और ये 5 जो स्मॉल है, पांचवा नंबर जिसको हम एक्स्ट्रा आर्म या वायरेबल कहते हैं, इस पांचवें आर्म में जो इनकम्प्लीट होती है, पूर्ण रूप से नहीं होती है कंप्लीटली, तो उसको हम लंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंप बोलते हैं। अब इस टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर बताई गई है बेटा, ध्यान से देखिए, इसमें 3 आर्म की जो एंड है वो लूप का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? लूप का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? लूप का फॉर्मेशन करती है, ठीक, और एक पे क्या होता है, लूप का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब जिस पे लूप का फॉर्मेशन नहीं होता है,
लूप का फॉर्मेशन जिस पे नहीं होता है उस पे देखेंगे, यहां पे एक फाइव एंड होती है और एक थ्री एंड होती है, ठीक। अब चक्कर ये है, देखिए ये थ्री एंड है, थ्री एंड है, इस पे इस थ्री एंड पर देखिए ए सी सी, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस का एक ग्रुप है ना, कोडेड मैसेज है। तो ये ए सी सी जो है ये क्या काम कराती है, थ्री एंड पर किसको जोड़ती है, एमिनो एसिड को, जिस पे लूप का फॉर्मेशन नहीं होता है उस पर, उसके थ्री एंड पर क्या होता है, अटैचमेंट एमिनो एसिड दिया है हमने, तो वहां पर साइटोसॉल में जो ऐसा वो एमिनो एसिड आई है वो आकर के इस थ्री एंड पर जुड़ जाती है, क्या होती है, थ्री एंड पर जुड़ जाती है। और थ्री एंड पर जुड़ने के बाद, थ्री एंड पर जुड़ने के बाद ये होता क्या है, इसके एसीसी के थ्री एंड के, इस थ्री एंड के एसीसी नाइट्रोजनस बेस के तीन नंबर, तीसरे नंबर वाले हाइड्रोक्सिल समूह, दो या तीन नंबर वाले हाइड्रोक्सिल समूह, ध्यान रखेंगे तीन नंबर वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीन नंबर वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है, कौन जुड़ता है, एमिनो एसिड जुड़ता है, समझे आप, फिर से सुनिए, कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस एसीसी जो नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप दिया है इससे कौन जुड़ेगा, एमिनो एसिड, एसीसी जो नाइट्रोजनस बेस ग्रुप दिया उसके कहां से, तीन नंबर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, ठीक। और वो एमिनो एसिड में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मान लीजिए एमिनो एसिड की सूत्र है तो उसकी एक एंड होती है सी ओ ओ एच यानी कार्बोक्सिलिक एंड होती है और दूसरी होती है एनएच टू यानी एमिनो ग्रुप, COOH का COOH COOH ये एंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरे को कहते हैं NH2 ग्रुप, दूसरे को क्या कहते हैं, NH2 ग्रुप, ओके, क्या बोलते हैं, NH2 ग्रुप। इसके बाद हम बात करें तो इसी एंड से, इसी कार्बोक्सिलिक एंड का अमीनो अमीनो एसिड अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आकर के इस ACC नाइट्रोजनस बेस के जो कोडेड है इसके तीसरे नंबर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आकर के जुड़ जाता है। और कैसे जुड़ता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, कोवैलेंट बॉन्ड क्या चीज होता है, आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, जानते होंगे, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाता है। और जुड़ने पर एटीपी सिंथेटेज यानी एमिनो एसिल पी जो जो जुड़ता है, कौन तीन नंबर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कौन जुड़ता है, एमिनो एसिड जुड़ता है, कौन जुड़ता है, एमिनो एसिड जुड़ता है, ध्यान से सुनिए, कौन जुड़ता है, एमिनो एसिड जुड़ता है, किस एंड से, कार्बोक्सिलिक एंड से, कार्बोक्सिलिक समूह का जो एंड होता है उसका एन एक एंड वहां से इस एसीसी पर पाए जाने वाले तीन नंबर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ जाता है और जुड़ता बनाता क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। और जो एनर्जी प्रोवाइडर है एमिनो एमिनो एसिल टी आरएनए सिंथेटेज थे सिंथेटेज ये एनर्जी प्रोवाइडर बंच ग्रुप है तो यहां से ये जुड़ जाता है, ठीक। अब इसकी जो मैसेज होती है अमीनो एसिड की, ध्यान रखेंगे, इसकी जो मैसेज होती है किसकी, इस अमीनो एसिड की, जो एसीसी होल्ड करा लिया है तीन नंबर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तीन नंबर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो अडॉप्ट कर लिया, अब इसकी जो कोडेड मैसेज होती है इसके ठीक नीचे वाला जो यहां पर लिखा है एंटी कोडॉन, अभी हम बताएंगे, ठीक। तो सवाल यह है कि ये जो हम जानते हैं कि 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं तो 20 टाइप के अमीनो एसिड को आप बार बार वो जोड़ने का काम करता है और इससे मिलता जुलता तमाम एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं, तमाम एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं, तमाम एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाए क्या है, या सिंथेटेज जब लिखा है तो ये क्या है, एंजाइम होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के 20 टाइप के अमीनो एसिड है तो इसी से मिलता जुलता एटीपी सिंथेटेज एंजाइम यहां पे पाए जाएंगे जो विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये तो एक एंड की बात हो गई जो जिसको लूप का फॉर्मेशन नहीं, ध्यान रखेंगे जिसको लूप का फॉर्मेशन नहीं होता है
उसी इंड से अमीनो एसिड जुड़ता है थ्री इंड वाले पे, जो है थ्री इंड और फाइव इंड थ्री वाले पे जुड़ता है, ठीक, कार्बोक्सिल अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल समूह से, इससे नहीं। अब बात आती है दूसरे इंड की, जिसको हम एंटीकोडान, जिसको हम एंटीकोडान लूप कहते हैं या एंटीकोडान इंड कहते हैं। क्या मतलब बनता है एंटीकोडान का यार, बता रहे हैं हम। देखिए प्यारे, फिर उस मैसेंजर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए की कहानी मैं कहने जा रहा हूं, फिर से सुनिए इसको। यही तो था याद पिछले वीडियो में, एमआरएनए, ये एमआरएनए था, एमआरएनए था, तो एमआरएनए था बेटा। तो यहां पे पहली जो कोडान होती है वो एयूजी होती है, ध्यान रखेंगे एयूजी, यहां फिर से हम रेड कलर से दे दें, ध्यान रखेंगे यहां पे क्या होता है एयूजी, एयूजी ये कोडान है जो मैसेज लेके आई है कहां से, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से मैसेज लेके आई है साइटोसॉल में, कल वाली वीडियो में, पिछले वीडियो में ध्यान देंगे। तो अब ये बताइए एयूजी ये होल्ड करेगा किसको, ऐसे टीआरएनए को, ऐसे टीआरएनए को जिसका कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजनस बेस है इससे, देखिए अब यहां पे ये किससे जुड़ सकता है, यहां पे ये ए जुड़ेगा यू से, ए जुड़ेगा यू से, फिर यू जुड़ेगा ए से और जी जुड़ेगा सी से, यानी ये जो ए यूजी कोडान है जो थ्री नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप है, वो तीन नाइट्रोजनस बेस के ग्रुप पे, और फिर हम किसी वीडियो में बताएंगे वो चीज। तो ए यूजी जो तीन नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं, कोडान कहते हैं। ये कोडान क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस के डीएनए से मैसेज लेके आई है, संदेशा लेके आई है, क्या लेके आई है, संदेशे आते हैं, क्या संदेशे आते हैं, कौन सा संदेशा आता है, कौन सा संदेशा आता है बेटा, कौन सा संदेशा आता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का संदेशा आता है जो कोडेड मैसेज के रूप में होता है, कौन लाता है, आरएनए लाती है, जो आरएनए लाती है उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, तो इसको कबूतर मानेंगे, पिछले कबूतर के संदेशा ले जाता था, तो यहां ये एमआरएनए जो है कोडेड मैसेज लेके आई है। अब ये कोडेड मैसेज क्या करेगी, ट्रांसलेशन कराएगी, ट्रांसलेशन में वही चीज, अब देखिए एयूजी जो पहला कोडान है, तो पहला कोडान जिसको हम एयूजी के रूप में किसे जुड़ सकता है, ए जुड़ेगा यू से, यू जुड़ेगा ए से, जी जुड़ेगा सी से, समझे। तो अब ये क्या है, ये चीज मिलेगी आपको टीआरएनए पर, ये चीज मिलेगी आपको टीआरएनए पर, यहां देख बेटा यूएसी, यूएसी देख रहे हैं ना, यूएसी, तो ये जो यूएसी है ये एंटीकोडान है, तो एंटीकोडान कहां होते हैं, टीआरएनए पर, एंटीकोडान टीआरएनए पर होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंटीकोडान होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंटीकोडान होते हैं, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड पर, डिफरेंट टाइप के एंटीकोडान होते हैं डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड पर। अब ये यहां पे जो एयूजी कोडान है ये एंटीकोडान यूएसी को होल्ड कराएगा, मेथियोनीन क्या है ये, तो ये यही टीआरएनए ये आएगा यहां फिट होगा, ये किसकी सूचना होल्ड करा रहा है, मेथियोनीन अमीनो एसिड की, क्या मेथियोनीन अमीनो एसिड की, ये क्या है यूएसी, ये एंटीकोडान है, किसकी उसकी मैसेज लिया है, ये एमिनो एसिड की मैसेज लिया है, ठीक, किस इंड से, थ्री इंड पर पाए जाने वाले एसीसी नाइट्रोजनस बेस पर पाए जाने वाले तीन नंबर हाइड्रोक्सिल समूह से, और जुड़ा क्या है उसका कार्बोक्सिल समूह, ठीक। तो उस ब्रो एमिनो एसिड की कोडेड मैसेज ये होल्ड किया है और ये एंटीकोडान के रूप में मैसेज आई, अब ये टीआरएनए आएगा या फिट होगा, अब जैसे फिट हुआ तो फिट होने के बाद ये फिट टीआरएनए खिसक जाएगी, टीआरएनए खिसक जाएगी, भगेगी वहां से,
अब ये दूसरे एमिनोसिड को लेके आएगी, किसी दूसरे एमिनोसिड को लेके आएगी, और वो एमिनोसिड फिर यहां तीन नंबर से जुड़ेगा, और फिर उसकी एंटीकोडान का संकेत अक्षर या सिंबल तीन का ये वही नहीं होगा, कुछ दूसरा होगा, कुछ दूसरा होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब यहां पे क्या होगा, जब ये एयूडी जो होल्ड करा लिया, एयूडी जो होल्ड कर लिया इन एसी एंटीकोडान को, तो अब ये क्वांट खिसकेगा। यहां तमाम नाइट्रोजनस बेस के ग्रुप होते हैं ना, सीसीजी यूएए, तमाम नाइट्रोजनस बेस के ग्रुप होगा, तीन नाइट्रोजनस बेस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कोडान को मैसेज लेके आए हैं। अखिल मैसेंजर आरएनए क्या है, को मैसेज लेके आया कि नहीं लेके आया है बेटा। तो फिर आप यहां पे देखेंगे, जब ये यूएसी जोड़ दिया तो ये जो है राइबोसोम एक स्टेप खिसक के आगे जाएगी, एक स्टेप खिसक करके आगे जाएगी। अब ये दूसरी कोडान बन गई यहां पे, अब ये दूसरी कोडान बन गई तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट सीसीयू है यहां पे, ये कोडान ऐसा पूछ करते हैं सीसीयू, तो ये सीसीयू किससे जुड़ सकता है, जी सी जुड़ेगा, जी से यू जुड़ेगा, ये तो जी जी ए, ये जी जी वाला जी जी ए एंटी कोडान वाला कोई एमिनो कोई टी आर एन ए आएगा यहां, इसको जोड़ देगा और वही आएगा जो इस कोडान से मेल खाता हो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो। मतलब यहां जैसे ये फालतू चीज नहीं आएगा, ये ए यूजी जो लिखा है तो ए ए यूजी को वही एंटी कोडान आएगा जो ए से जुड़ सकता है, जो यू से जुड़ सकता है, जो जी से जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये निचले आर्म की बात करें, जो लूप का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीकोडान लूप, समझे, घबराएंगे नहीं बेटा। तीसरी चीज है यार, इस आर्म को देना डीएचयू आर्म, डीएचयू आर्म, ये आर्म क्या काम कराती है, ये आर्म एंजाइम को जोड़ती है, क्या कराती है, एंजाइम को जोड़ती है, ध्यान रखेंगे किसको जोड़ती है, ये एंजाइम को जोड़ती है, एंजाइम को जोड़ देती है, तो इसलिए इसको हम इस एंड को क्या कहेंगे, एंजाइम साइट, क्या बोलेंगे, एंजाइम साइट आर्म, एंजाइम साइट आर्म, क्या बोलेंगे, एंजाइम साइट आर्म, ठीक। इसकी एक एंड, इसकी एक एंड जो टी आर एन ए, ये दूसरी एंड जिसको टी साई सी आर्म कहते हैं, ये क्या काम करता है, टी आर एन ए को राइबोसोम से जोड़ता है, ये टी आर एन ए को कहां जोड़ता है, राइबोसोम पे जोड़ता है, ध्यान रखेंगे, ये टी आर एन ए को राइबोसोम पर जोड़ देता है, टी आर एन ए को राइबोसोम से जोड़ता है, कौन सी आर्म, टी साई सी आर्म, ठीक है ना। और इसका फंक्शन अभी क्लियर नहीं है ये, ठीक। तो ये कहानी हो गई ट्रांसफर आर एन ए की। इसके बाद की बात मैं करूं बेटा, इसके बाद की बात मैं करूं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसमें, जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए इज द सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए इज द सेमी कंजर्वेटिव, एंड एक्सपेरिमेंट था उनका मेसल्सन एंड स्टॉल का, मेसल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, जिसने ये प्रूव कर दिया कि डीएनए जो होती है सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारा यही मिलेगा आपको, वीडियो को लाइक कीजिए प्यारे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम वीडियो बनाते हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे।